हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स चैप्टर एंड टुडे द न्यू चैप्टर बीइंग स्टार्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर ह्यूमन पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स। अब स्टूडेंट्स, पीपल एज अ रिसोर्स, इन प्रीवियस चैप्टर इन इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, हमने वहाँ क्या पढ़ा, हमने वहाँ एक्टिविटीज पढ़ी। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या थी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या थी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या थी, कैसे कैसे कैपिटल लोग यूज करते थे, मतलब वो हमने सब चीज़ पढ़ा। अब उसी को आगे इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, पीपल एज अ रिसोर्स, यानी जो पीपल हैं, जो ह्यूमन है, वो क्या है, एक रिसोर्स है। क्या है, एक रिसोर्स है स्टूडेंट्स। तो उन रिसोर्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर उन रिसोर्स को स्टडी करेंगे। तो उसी के आधार पर यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि जो पीपल है, पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल क्या है कि एक रिसोर्स है। अब रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब जैसे मीन्स एक साधन है ना। कोई भी चीज़ जैसे रिसोर्स कैसे बनती है, जैसे उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, जैसे माइंस होती हैं, जैसे माइंस में आप जाते हैं तो आपने क्या किया, जैसे गोल्ड है या आयरन है, आयरन ओर आपने माइन से निकाला, तो उसमें मिट्टी पता नहीं क्या क्या मिला हुआ होता है, उस ओर को हमने क्या किया, इंडस्ट्री में जाके एक्सट्रैक्ट किया, फिर जाके क्या बनाया हमने, उससे आयरन बनाया, आयरन ओर से क्या बनाया हमने, आयरन बनाया, तो उस पर क्या किया हमने, उसको हमने एक रिसोर्स बनाया। ऐसे ही पीपल को हम क्या करेंगे कि पीपल को हमने जैसे जैसे किसी पीपल को हम पढ़ा हुआ, उसको एजुकेटेड किया, उसको हेल्दियर बनाया, उसको उसको ट्रेनिंग दी, यानी स्किलफुल बनाया उसे, और उसे मेडिकेयर मतलब मेडिसिन जो थी वो उसे दिलाई, मतलब उसे एक तरीके से कह सकते हैं हम कि पीपल को कम्प्लीटली हेल्दियर एजुकेटेड एंड स्किलफुल बनाना, तभी वो कुछ कर पाएगा। अगर वो हेल्दी नहीं है, स्किलफुल नहीं है और वो एजुकेटेड नहीं है, तो वो मतलब एक तरीके से रिसोर्स नहीं बन पाएगा। भाई जो हमारे घर में ये मटेरियल है, ये एक पीपल तो बनाता है, चाहे वो मेन टेबल हो या बुक हो या फैन या आपके क्लॉथ्स हैं, जो बुक्स हैं, ये सब कौन बनाता है, ये ह्यूमन बनाता है। तो यही क्या बन जाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स या पीपल एज अ रिसोर्स। अब इस चैप्टर को हम अदर वे में जो नेम है उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। इस चैप्टर को हम फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन भी कहते हैं इसको। और इसमें है क्या स्टूडेंट, ह्यूमन कैपिटल के बारे में इसमें बात होती है। आज केवल इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का, उसके बारे में स्टार्टिंग एक वे बताया जाएगा जैसे इसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट जो देखिए कि पॉपुलेशन एज एन असेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लियबिलिटी, यानी जो हमारी लियबिलिटी है उस पर जो असेट, अब असेट होना चाहिए यानी एक इकोनॉमी के लिए। असेट क्या होता है, जैसे आपने कोई भी एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया, जैसे एक इंडस्ट्री स्टार्ट किया, आपने कंपनी बनाई, मशीन लेके आया, उस मशीन से आपने कोई चीज थिंग्स बनाई, अब वो थिंग्स क्या बन गई, वो थिंग आपकी असेट बन गई स्टूडेंट्स, क्या बन गई, असेट। अब भाई अब उससे क्या हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, उससे हमने प्रोडक्ट करेंगे तो उससे इकोनॉमी बढ़ेगी, लियबिलिटी उसके बाद में ही लियबिलिटी आएगी स्टूडेंट्स। अब पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, यानी पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है ये, ह्यूमन मीन्स होता है पीपल यानी इंसान, और कैपिटल मीन्स होता है मनी पूंजी, तभी वो कुछ कर पाएगा, वो ठीक होगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, वो कैसे बनेगा ह्यूमन, एक कैपिटल कैसे बनेगा, व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट, जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब उनमें उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेड क्या बनाएगा उसको, फॉर जैसे एजुकेशन, उसे एजुकेटेड बनाएंगे हम, उसे क्या बनाएंगे, एजुकेटेड बनाएंगे, उसे ट्रेनिंग देंगे उसे किसी भी चीज़ की, किसी वर्ग की, और उसे मेडिकल केयर यानी उसे हेल्दी बनाएंगे, उसे हेल्दी बनाएंगे, तभी हम उसको एक क्या बना सकते हैं, ह्यूमन को उसको कैपिटल में यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई घर में वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपनी जैसे फार्म, जैसे आपने कोई शॉप है, तो पहले शॉप में क्या रखेंगे, लगे आप उस शॉप में, मतलब वो जो एक एक, एक उसके लिए रूम लेंगे, शॉप लेंगे, फिर उसमें जो आप सेलिंग करेंगे थिंग्स वो लेके आएंगे, फिर वहाँ पर एक ह्यूमन बैठेगा, तो वो ह्यूमन भी एक हेल्दी होना चाहिए है ना, एजुकेटेड होना चाहिए, तभी तो हम उससे कुछ कमाएंगे उस शॉप से। तो ऐसे ही ह्यूमन को भी एजुकेटेड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और ट्रेनिंग फुल यानी स्किलफुल होना चाहिए। पीपल, अब देखिए उसकी डेफिनेशन, पीपल एज रिसोर्स, पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज
वर्किंग पीपल क्या करते हैं, जो पीपल वर्क करते हैं उस कंट्री के, जो भी पीपल वर्किंग करते हैं वो रेफर करते हैं यहाँ पर, कि इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज, यानी जो स्किल्स होती हैं उनके अंदर, जो यहाँ दिया बताया गया कि ट्रेंड होते हैं, वो स्किलफुल पर्सन होते हैं, यानी वो ट्रेंड होते हैं, एंड एबिलिटी उनके अंदर एबिलिटी होती है, तो भाई क्या कहलाते हैं, ये वर्किंग पीपल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वर्किंग पीपल, यानी वो हेल्दी भी होने चाहिए, ट्रेंड भी होने चाहिए और एजुकेटेड होने चाहिए, तभी वो हमारी कंट्री के लिए कुछ, यानी वही उसी कंट्री को वही पीपल वर्किंग पीपल रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल में, क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, हम एजुकेशन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी स्किल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेनिंग किसे करते हैं कि हम ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी मेडिकल केयर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी हेल्दियर उसे हेल्दी बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन कैपिटल में अगर ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी ईल्ड और रिटर्न, तभी हमें क्या मिलेगा, जैसे हम खेती में कुछ लगाते हैं अपनी फार्मिंग में, खेत में हमने कोई भी मतलब क्रॉप्स की, अब उसमें जब तक उसमें कुछ लगाएंगे नहीं, उसकी केयर नहीं करेंगे, तब तक क्या हमें उसमें क्रॉप्स मिल जाएगी, उसमें जो प्रोडक्शन ठीक से हो पाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, अच्छे से करेंगे तो उसमें हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो भाई हम ह्यूमन में जब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इन चीज़ों का, तो क्या होता है कि रिटर्न मिलता है, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट हमें क्या मिलता है, एक रिटर्न मिलता है कि फिजिकल कैपिटल, यानी फिजिकल कैपिटल एक जो हमारी शारीरिक पूंजी होती है, अगर वो अच्छा है हेल्दी है तभी वो व्यक्ति क्या कर पाएगा, वर्क कर पाएगा, तभी क्या कर पाएगा, वो वर्क कर पाएगा। तो क्या है कि एक कैपिटल है, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन में, उसको इन्वेस्टमेंट करो, उसे एजुकेटेड करो, उसे ट्रेन करो, उसे हेल्दी बनाओ, तभी वो कुछ वर्क कर पाएगा और फिर वही इन्वेस्टमेंट करेगा कुछ। तो मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पीपल, यहाँ पर एक कहते हैं ना कि नॉट ओनली केवल एजुकेटेड पर्सन ही कर पाते, भाई और भी लोग कर लेते हैं, लेकिन मेनली क्या होना चाहिए कि एक एजुकेटेड पर्सन और हेल्दियर जो पर्सन होगा वो एक अच्छा वर्क करेगा, तभी क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट होगा। कहते हैं डेवलपमेंट कैसे करते होगा, भाई डेवलपमेंट तभी तो होगा जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हम इन्वेस्टमेंट को उसको उस लायक होंगे। अब इन्वेस्टमेंट तब करेंगे हम जब हम एजुकेटेड होंगे, हेल्दियर होंगे और ट्रेंड होंगे, हम सब कुछ उसके बारे में जानते होंगे, है ना, हमारे पास नॉलेज होगी, तभी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो स्टूडेंट ये कहता है, अब जैसे जापान है, जापान एक क्या है, वो अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करता है, और जापान के पास रिसोर्सेज ना के समान है, यानी ना ही समझ लीजिए, फिर भी वो एक डेवलप कंट्री है, क्यों है, क्योंकि वो अपने ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम अपने ह्यूमन पे, अपने घर के बच्चों पे जो भी है इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी हमारा फ्यूचर में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी स्टोरी है, इसमें जैसे सकाल की स्टोरी है, तो ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस टॉपिक में, चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।